नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखेंगे हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम 27 और प्रोडक्ट 182 है, और ये चूंकि फोर्थ चैप्टर का इट मीन्स वन वेरिएबल में है, इसको सिर्फ एक्स एक्स मानना है, इसमें हम वाई नहीं मान सकते हैं। तो लिखते हैं, लेट सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, हमने पहले नंबर को एक्स मान लिया, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, दो नंबरों को अगर हम जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। तो अगर पहला नंबर एक्स होगा तो दूसरे नंबर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से अगर एक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये सेकेंड नंबर निकल के आ जाता है। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड प्रोडक्ट इज 182, मतलब इन दोनों नंबर को अगर हम पहले नंबर और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 182 आ जाता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स और ये 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब सबको इस साइड लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182 इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास यही क्वेश्चन आ गया। अब इसी क्वेश्चन का क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे और जो आएगा आंसर। तो सबसे पहले हमारे पास 182 है, तो इस 182 का कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। 182, 29 जा 18, 21 जा 2, फिर ये हो जाएगा 7, 7 वन जा 7, 7 थ्री जा 21। अब इसको इस तरह से लिखना है, 2, 7 और 13 हमारे पास आ रहा है, इसको इस तरह से अरेंज करना है कि इसको जब प्लस या माइनस करें तो ये 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 182 हो जाए। तो ये हो जाएगा 17, 2 जा 14 और ये हो जा रहा है 13, तो 14 प्लस 13 इक्वल टू हो जा रहा है 27। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम माइनस का 14 और माइनस का 13 ले लेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन निकालते, चलिए यहां पे ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर और 14x, इसमें से कॉमन निकलेगा x, ये हमने कॉमन निकाला तो ये जाएगा x माइनस 14 और दूसरे वाले ब्रैकेट में लेना है 13, इसमें से कॉमन निकल के आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 14 और फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जा रहा है 14 और इधर भी x इक्वल टू हो जा रहा है 13। x का दो वैल्यू आ जा रहा है, x इक्वल टू 14 और ये 13। अब इसमें से कोई सा भी फर्स्ट नंबर, कोई सा भी सेकंड नंबर हो सकता है, तो लिख देंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13 एंड सेकंड नंबर इक्वल टू 14 और ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 13 प्लस 14 तो 27 हो जाएगा और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया सो इसका सॉल्यूशन। आपको ज्ञान अभियान चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।